तो दोस्तों एंटेना सेटिंग में डायसेक 1.0 सेटिंग क्या होता है और डायसेक 1.1 ये दोस्तों सेटिंग क्या होता है, इसके अंदर सिग्नल कैसे आते हैं, दोनों साथ में कैसे सिग्नल आते हैं, पूरा डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो पे। सब्सक्राइब करें जेके डिसइन्फो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डीटीएच के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो एंड वेलकम टू जेके डिसइन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त जयेश कुमार और दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया वीडियो ना बनाते हुए, थोड़ा सा काम आ गए थे इसीलिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायसेक 1.0 सेटिंग के बारे में और डायसेक 1.1 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं डायसेक 1.0, यानी कि दोस्तों ये दो पोर्ट वाला डायसेक हो सकता है या फिर चार पोर्ट वाला जो डायसेक स्विच आता है उसको दोस्तों हम बोलेंगे 1.0। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये सॉलिड का 4 पोर्ट वाला एक डायसेक है जिसको आप यूज़ करना चाहें तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी पोर्ट में आप वायर लगाएं उसके अंदर उस हिसाब से आप 1.1 में सिलेक्ट करें। और दोस्तों डायसेक 1.1 यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है वो डायसेक 8 पोर्ट वाली या फिर 16 पोर्ट वाली जो डायसेक आती है उसको दोस्तों हम बोलेंगे डायसेक 1.1। तो अगर आपके पास दोस्तों बड़ी वाली यानी कि 8 पोर्ट या फिर 8 पोर्ट से ज़्यादा पोर्ट वाली डायसेक यूज़ कर रहे हैं तो आप 1.1 सेटिंग को सिलेक्ट करें। जो पोर्ट में आपने यानी कि पोर्ट 1, 2, 3 पोर्ट जो भी पोर्ट में आपने जो सेटेलाइट लगाए हैं वो सेटेलाइट पर आपको सिग्नल मिलेंगे। अगर 4 पोर्ट वाली है तो आप 1.0 सिलेक्ट करें, अगर ज़्यादा पोर्ट वाली है तो आप 1.1 सिलेक्ट करें। तो दोस्तों ये तो हो गया सिंपल, लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम तब आता है जब मोनोब्लॉक LNB को यूज़ करने की बात आती है, क्योंकि दोस्तों मोनोब्लॉक LNB के अंदर 2 LNB लगे होते हैं और दोनों LNB को एक साथ करने के लिए इसके अंदर भी एक डायसेक लगी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक आउटपुट मिल रहा है, यानी कि इसके अंदर जो है वो एक 1.0 वाली डायसेक लगी हुई है, ठीक है। तो अब दोस्तों इसको यूज़ करना है हमें 1.1 वाली डायसेक के साथ, तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं और मोनोब्लॉक LNB को 4 पोर्ट वाली यानी कि 1.0 के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो सवाल आते हैं सभी के मन में। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले 1.1 वाली जो LNB है उसके अंदर कैसे इसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास जो ये डिश लगी हुई है, सबसे पहले यहाँ पर ये नंबर 2 वाली LNB है वो ABS2 यानी कि 75 East पर सेट है और इसके अंदर दोस्तों साइड में दूसरा LNB है जो यहाँ पर है तो वो 70 डिग्री यानी कि यूटेल सेट 17B पर सेट है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 सेटेलाइट और साथ में डायसेक 1.0 के थ्रू यहाँ पर एक हमें केबल मिल रहा है जो मैंने लगाया है LNB 7 के अंदर, यानी कि दोस्तों 18-1 वाली जो डायसेक है उसके अंदर मैंने 7 नंबर पर ये वायर को लगा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर एंटेना सेटिंग में आप ध्यान से देखें थोड़ा कि किस तरह से आपको सेटिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ABS2 देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि मेरे मोनोब्लॉक LNB में 2 नंबर वाली LNB में जो सेट है ABS2, और डायसेक 1.0 में ये 7 नंबर पर हमने लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसे ऑफ करेंगे या फिर यहाँ पर डायसेक 1 में 1 करेंगे तो सिग्नल नहीं मिलेंगे, पोर्ट 2 करेंगे और डायसेक 1.1 में पोर्ट 7 करेंगे तो सिग्नल आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहे हैं। तो चलिए मैं चैनल भी इसकी स्कैन करके आपको दिखा देता हूँ कि वाकई में यहाँ पर जो चैनल है वो चल रहे हैं नहीं चल रहे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर चैनल स्कैन हो गई है और 1 TP हमने स्कैन की तो 5 चैनल मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलाकर भी मैं दिखा देता हूँ ताकि कुछ नए फ्रेंड को कोई डाउट ना रहे, ठीक है। बाकी हमारे रेगुलर फ्रेंड जानते हैं यहाँ पर JKDisinfo यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको मिलते हैं 100% जेन्युइन और रियल वीडियोज, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चैनल है चल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर दूसरे सेटेलाइट की। तो दोस्तों यहाँ पर हमने साथ में यूटेल सेट 17B सेट किया है तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है, उसका सेटिंग भी देख लेते हैं। वैसे मैंने पहले यहाँ पर स्कैन करके रख लिया है तो यहाँ पर भी चैनल चल रही है, लेकिन फिर से आपको एक बार और डायसेक का सेटिंग दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो सेटेलाइट है यूटेल सेट 70B सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तों 1.0 में ये 1 नंबर पर यानी कि 1 नंबर पर 17B सेट है और 1 नंबर की दोस्तों जो सेट होता है सेटेलाइट उसे अगर आप ऑफ कर देते तब भी वो 1 नंबर वाला जो सेटेलाइट है उसे स्कैन कर लेगा, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर 2 करेंगे तो आपको सिग्नल ABS की मिलेंगे और अगर यहाँ पर से 1 या फिर ऑफ कर देंगे और पोर्ट 1.1 में 7 आपको रखना है क्योंकि हमने 7 पे लगाया है, तो यहाँ पर जैसे आप इसे स्कैन करेंगे तो आपको 70 डिग्री के जो चैनल है वो
मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, स्कैन हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक चैनल मिला है MTA1, क्योंकि एक ही टीपी मैंने स्कैन की अभी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये चैनल चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप दोनों सैटेलाइट साथ में देख सकते हैं, यानी कि मोनोब्लॉक LNB को डाइसेक 1.1 में इस तरह से आप यूज़ करके दोनों सैटेलाइट एक ही साथ एक ही रिसीवर में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा सेटिंग डाइसेक 1.0 और डाइसेक 1.1 का, और उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी चैनल पर नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें।